तो कैसे आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप फिनो पेमेंट बैंक के आईडी चलाते हैं, फिनो पेमेंट बैंक के मित्र आईडी लिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिनो पेमेंट बैंक का जो माइक्रो एटीएम होता है वो भी लिए हुए हैं। लेकिन माइक्रो एटीएम आपको कनेक्ट नहीं करने आता है कि फिनो पेमेंट बैंक के जो आईडी है उसमें हम अपना माइक्रो एटीएम कैसे मतलब कनेक्ट करें। तो इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कैसे इसका काम करेंगे और इसमें कनेक्ट कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए डायरेक्ट शुरू करते हैं और जानते हैं कि माइक्रो एटीएम फिनो पेमेंट बैंक के आईडी में कैसे कनेक्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन करेंगे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल बीबीएफटी इन्फो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको माइक्रो एटीएम कनेक्ट करने के लिए माइक्रो एटीएम जो हमारा स्विच ऑफ रहता है उसको ऑन कर लेना। उसके बाद आपको अपना फिनो मित्रा के आईडी ओपन करना। आईडी ओपन करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लॉगिन नहीं करना। लॉगिन करने से पहले सबसे पहले आपका एक काम करना है, यहाँ पे थ्री डॉट देखने को मिल जाएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है पेयर डिवाइस रजिस्टर डिवाइस। सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, पेयर डिवाइस पे क्लिक करना है। पेयर डिवाइस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दो तीन तरह का डिवाइस देखने को मिल जाता है। फर्स्ट में एफबी यानी कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर देखने को मिल जाता है और पिन पैड देखने को मिल जाता है। सिंपल से आपको यहाँ पे पिन पैड पेयर पे क्लिक करना है। पिन पैड पेयर पे क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे माइक्रो एटीएम ऑन रहेगा। सिंपल से यहाँ पे उनका डिवाइस नंबर और मतलब कि सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना है, थोड़ा टाइम ले सकता है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका जो माइक्रो एटीएम आईडी है डिवाइस है जो यहाँ पे डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करना है। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे पेयरिंग रिक्वेस्ट देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको की देखने को मिल जाता है। यह की जो होता है सिंपल से आपको यह की इसमें इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे हमारा की है 6156 01 और की इंटर करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे इंटर पे क्लिक करना है। इंटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिवाइस सक्सेसफुल फेयर हो चुका है और आपका सीरियल नंबर फैच कर चुका है। तो चलिए आप आगे का प्रोसेस जानते हैं। यहाँ पे माइक्रो एटीएम में पेयर सक्सेसफुल दिखाने के बाद यहाँ पे आपका गेटिंग सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ समय वेट करना है, कुछ समय भी वेट कर सकता है और थोड़ा ज़्यादा समय भी वेट करना है। तो यहाँ पे आपको बैक उक नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना है। तो पेयर होने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अगर यह इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है तो सिंपल से आप यहाँ से बैक कर सकते हैं, वहाँ पे वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे फिर से मित्रा आईडी ओपन करना है। मित्रा आईडी ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाना और पेयर डिवाइस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पेयर डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गए, वही प्रोसेस आप करेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ समय फिर से वेट करना है और वेट करने के बाद जब भी आप यहाँ पर डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताया जाता है कि प्लीज़ डू लॉग इन टू पेयर पिन पैड। सिंपल से आपको यहाँ पे ओके करना है। अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है कि लॉगिन करने का बोल रहा था। सिंपल से यहाँ पे अपना यूजर आईडी इंटर कीजिए और पासवर्ड इंटर कीजिए और लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करने के बाद आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का फिनो का डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थ्री लाइन देखने को मिल जाएगा। थ्री लाइन पर क्लिक करना है और थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से देखने को मिल जाता है पेयर डिवाइस। सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। पेयर डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से पेयर पे क्लिक करना है। पेयर पे क्लिक करने के बाद आपका वही प्रोसेस है, यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आपका डिवाइस का सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा। सिंपल से यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे वही प्रोसेस है, सीरियल नंबर फैच किया जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ समय वेट करना है। तो यहाँ पे डिवाइस सीरियल नंबर फैच करने के बाद आपका यहाँ पे डिवाइस सक्सेसफुल पेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपका डिवाइस सीरियल नंबर देखने को मिलेगा। सिंपल से आपको यहाँ पे इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका डिवाइस कनेक्ट सक्सेसफुल हो चुका है। सिंपल से यहाँ पे आपका डिवाइस देखने को मिल जाता है। अब चलिए हम इसका टेस्ट कर लेते हैं कि डिवाइस सक्सेसफुल कनेक्ट होने के बाद हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो यूज़ करने के लिए सिंपल से यहाँ पे माइक्रो एटीएम देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे माइक्रो एटीएम पे क्लिक करना है। माइक्रो एटीएम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है माइक्रो एटीएम ट्रांजेक्शन। सिंपल से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिंपल से आपको अपना माइक्रो एटीएम जो एटीएम होता है सिंपल से आपको यहाँ पे स्वाइप करना है। कुछ इस तरीके से स्वाइप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ समय वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ ऐसा एरर आ सकता है, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे कि यहाँ पे हम जो स्वाइप करते हैं तो उल्टा सीधा स्वाइप हो जाता है, तो वो एरर आता है। तो यहाँ पे आपको सही से स्वाइप करना है। सही से आप स्वाइप कर दीजिएगा तो यहाँ पे आपका एम पिन देखने को जो एटीएम पिन होता है सिंपल से आपको यहाँ पे एटीएम पिन इंटर करने के लिए बोला जाएगा। सिंपल से आपको यहाँ पे एटीएम पिन इंटर करना है। एटीएम पिन इंटर करने के बाद यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आ जाएगा। विड्रॉल में जितना भी अमाउंट आप यहाँ पे विड्रॉल करना चाहते हैं सिंपल से आपको यहाँ पे अमाउंट फिल कर देना। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे विड्रॉल हो चुका है और यहाँ पे आपका विड्रॉल हो जाएगा।
तो कुछ इस तरह से आप अपना मतलब कि जो माइक्रो एटीएम का काम कर सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक में, और इसी तरह से आप अपना माइक्रो एटीएम कनेक्ट कर सकते हैं। यही हमारा प्रोसेस होता है फिनो पेमेंट बैंक में माइक्रो एटीएम कनेक्ट करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, हम जाने सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा जो फिनो पेमेंट बैंक का आईडी लिए हुए या लेना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।